किसान विरोधी बिल को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी एवं पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा के नेतृत्व में जिला कार्यालय से लेकर खूंटी बिरसा पार्क तक रैली निकाली गई। पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा ने किसानों के हित में आज रैली का नेतृत्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह चौक तक माल्यार्पण करते हुए कचहरी स्थित बिरसा पार्क पर माल्यार्पण कर पी3 न्यूज के संवाददाता से कहा, हम लोगों ने AICC अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रहे किसान विरोधी भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी ने जो बिल पास की है वो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही। रैली का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष ने भी कहा, भाजपा सरकार जब तक रहेगी तब तक किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करती रहेगी। रैली का समापन समाहरणालय स्थित कालीचरण मुंडा आवास में किया गया। मौके पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में पीटर मुंडू, सैयम अंसारी एवं आदि अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी के साथ पी3 न्यूज झारखंड के लिए खूंटी से गौरव कश्यप की देखिए एक रिपोर्ट। सरकार का भी ये रहा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम अच्छा रहा। आज हम लोग का महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को जन्म दिवस पर आज कांग्रेस पार्टी विशेषकर सोनिया गांधी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके निर्देशन पर हमने किसान विरोधी बिल जो हमारे मोदी सरकार ने लाया है उसके विरोध में हम लोग आज एकत्र होकर के प्रण लिए हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा।